अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंसार उर्स में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे, 31 जैसे कि आपको मालूम है 31 जनवरी तक इंडिया गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया था। क्या फरवरी से प्रतिबंध हट जाएगा? क्या फरवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया से खुल जाएगी? तो दोस्तों, बहुत से न्यूज़ चल रही है, यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। उम्मीदों में सऊदी गाजेट ने ट्वीट करके भी बताया था, gulfhindi.com ने लिखा था कि शायद खुल जाए। शायद में सब लोग थे क्योंकि कोई कंफर्म नहीं था, इसलिए शायद में थे क्योंकि हमारे इंडिया में वैक्सीन कोरोना की जो वैक्सीन है विदेशों में जा रही है, सऊदी में आने के लिए भी है, विदेशों में जा रही है, इंडिया में भी लग रही है, और कोरोना वायरस के केस भी कम आ रहे हैं, तो इसीलिए सब लोग उम्मीद में थे। लेकिन हम आपको बताते चलें, ये ट्वीट आपको आया है DGCA की तरफ से, देखिए आपको आया है, ये इन्होंने सीधा बता दिया है कि 28 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे आज चल रहा 31 जनवरी तक था, वैसे एक महीना और बढ़ा दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाएगा फरवरी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मार्च भी हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि 28 फरवरी तक इंडिया सरकार ने जैसे 31 जनवरी तक प्रतिबंध जिन जिन देशों पे लगाया था वैसे लगा है, और जिन देशों से जैसे फ्लाइटें चल रही थी वैसे ही चलेगी। और जो वीज़ा का है यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद देख लीजिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेवल एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू COVID-19। तो मतलब ये है कि जैसे जिस हिसाब से ना वीज़ा स्टाम्पिंग होगा, ना वीज़ा का काम होगा, ना फ्लाइटें खुलेगी। जब फ्लाइटें नहीं खुलेगी तो वीज़ा का काम कहाँ से होगा भाई? तो यही है कि 28 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई फ्लाइट ओपन नहीं है। तो दोस्तों, यही अपडेट था, मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।